Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Stay home and stay safe. Students, in our previous lecture, we were done with the reading and verse meaning of unit number 9, the fox and the crow. Now we are going to do the question answers and exercise. So open your book page at page number 45. First, we will do the question answers. Listen to me very carefully. The question number 1 is, who was hungry? Kaun bhooka tha? As you have read in the unit, the crow was hungry, yani kavva bhooka tha, okay? The question number 2 is, where did crow see cheese? Kavve ne paneer kidhar dekhi? The answer is, he saw a lovely plate of cheese in the house. Usne ghar mein paneer dekhi, theek hai? Dilkash paneer dekhi, okay? Question number 3 is, where did crow go after getting the cheese? वो पूछ रहे हैं कि पनीर हासिल करने के बाद कौवा किधर चला गया. द आंसर इज द क्रो फ्लू अप टू अ टॉल ब्रांच इन अ नियर बाय ओक ट्री आफ्टर गेटिंग द चीज. जो कौवा था वो पनीर हासिल करने के बाद उड़कर एक करीबी दरख्त की लंबी शाख पर चला गया था. ओके मैं दोबारा ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. द क्रो फ्लू अप टू अ टॉल ब्रांच इन अ नियर बाय ओक ट्री आफ्टर गेटिंग द चीज. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड फॉक्स वांट. लूमड़ क्या चाहता था. द आंसर इज द फॉक्स वांटेड द चीज. लूमड़ पनीर चाहता था. ठीक है आपने बुक में पढ़ा था कि उसकी नजरें जो थी कौवे की पनीर के ऊपर थी. ओके क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट हैपेंड व्हेन क्रो बिगेन टू सिंग. पूछ रहे हैं द क्वेश्चन है कि जब कौवे ने गाना शुरू किया तब क्या हुआ था. द आंसर इज द चीज फेल ऑन द ग्राउंड. पनीर जमीन पर गिर गई थी यानी व्हेन क्रो ओपन्ड हिज माउथ टू सिंग द चीज फेल ऑन द ग्राउंड. पनीर जमीन पर गिर गई थी क्योंकि कौवे के दिल में लालच आ गया था गाने के लिए. ओके क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड फॉक्स डू एट द एंड. आखिर में लूमड़ ने क्या किया था. द आंसर इज द फॉक्स ग्रैब द चीज एंड रैन अवे. लूमड़ ने पनीर को छीना और भाग गया. ठीक है उसके दिल में तो पहले ही लालच था. तो आपको मैंने बताया था द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ग्रीड इज अ कर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट नंबर 9. सो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 45. बी पे आ जाएं. रीड थिंक पिक रिंग द करेक्ट टू वर्ड्स फ्रेजेस इन ईच लाइन. ठीक है आपने क्या करना है ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनके अकॉर्डिंग जो ट्रू होगा उस पर आपने सर्कल लगा देना है. यू हैव टू पुट अ सर्कल बिकॉज दीज आर फ्रॉम द यूनिट्स. ओके द क्रो फर्स्ट वन इज क्रो वाज कौवा था हंग्री क्लेवर फ्रेंड्स विद फॉक्स अ गुड सिंगर आर रोबर. तो कौवा क्या था आपने बुक में पढ़ा था हंग्री भूखा था अ रोबर चोर था बिकॉज ही रोब्ड अ पीस ऑफ चीज. ओके नंबर 2 फॉक्स वाज लूमड़ था फ्रेंड्स विद क्रो मीन अ बैड सिंगर क्लेवर अ गुड सिंगर. लूमड़ क्या था मीन मतलबी क्लेवर चालाक. द नेक्स्ट वन क्रोज ईट कौवे खाते हैं क्या चीज़ स्पेगेटी ब्रेड क्रम्स राइस बेक्ड बीन्स. क्या खाते हैं चीज़ पनीर ब्रेड क्रम्स डबल रोटी के टुकड़े. नंबर 4 स्पॉट द चीज़. अब आपने जो इनमें से चीज़ होगी सो यू हैव टू पुट द सर्कल ऑन द चीज़ चेडर ब्रोकली रस्क बेरीज लज़ानिया चशायर. इनमें से जो पनीर है वो चेडर है और लज़ानिया आपने इन पे सर्कल लगा देने हैं. स्किप द पेज नंबर 46 एंड कम टू द पेज नंबर 47. ये देखें फाइंड द वर्ड्स इन द लिस्ट दैट मीन द सेम एज दोज इन द टेबल. अब ये जो लिखे हुए हैं टेस्ट प्लेट क्लेवर नोवल मीन आपने इनसे मिलते जुलते यानी सेम जवाब आपने लिखने हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेबल. यू हैव टू राइट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द टेबल. ठीक है देखिए टेस्ट इम्तिहान. ठीक है टेस्ट तो इससे मिलता जुलता क्या होगा एग्जाम तो आप एग्जाम लिख देंगे यहाँ. ठीक है प्लेट डिश क्लेवर चालाक स्मार्ट नोवल बुक मीन मतलबी क्रूअल जालिम. नंबर 6 करेक्ट राइट साइलेंट खामोश क्वाइट एंशियंट कदीम पुराना ओल्ड क्राई रोना वीप ब्रॉड खुला वाइड. कम टू द पार्ट बी रिंग द ओड वन आउट इन द ईच लिस्ट. अब इन्होंने ये
लिखे हुए हैं नेम, आपने इन लाइंस में से जो ओड वन यानी कि जो मिलता नहीं होगा उसको आपने सर्कल कर देना है. यू हैव टू पुट द सर्कल ऑन द ओड वन. ठीक है, अब देखें, लेडीज, मेन, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, शीप. तो इनमें से ओड वन क्या है? शीप है, बिकॉज शीप इज एन एनिमल, द अदर वंस आर ह्यूमन बींग्स. ओके, सो यू हैव टू पुट द सर्कल ऑन द शीप. नेक्स्ट वन, बोट, शिप, सबमरीन, डिंगी, ट्रॉलर, कार. कार को सर्कल कर दें. नंबर थ्री, स्टोन, पेबल, ट्विग, रोक, बोल्डर, ब्रिक. ट्विग मीन टहनी, पिक को सर्कल कर दें, जबकि बाकी सारे क्या हैं? दे आर फॉर्म्स ऑफ स्टोन्स. ओके, नंबर फोर, लाइट, हैवी, स्मॉल, ब्लू, बिग, लॉन्ग. सो ब्लू इज़ अ कलर एंड इज़ द ओड वन आउट, सो यू हैव द पुट, सो यू हैव टू पुट द सर्कल ऑन द ब्लू. मैरी, माइकल, मार्क, मरियम, एडम, मेलिसा. एडम पे सर्कल कर दें, बिकॉज क्योंकि जो दूसरे नाम हैं वो एम से शुरू हो रहे हैं, जबकि एडम ए से शुरू हो रहा है. ओके, स्क्विल, जिराफ, एंकल, पोनी, बियर, स्नेक. एंकल को सर्कल कर दें, बिकॉज एंकल इज़ अ बॉडी पार्ट एंड द अदर वंस आर एनिमल्स. नंबर सेवन, टो, हील, कंगारू, फिंगर, सोल, टोनेल. कंगारू को सर्कल कर दें. नंबर एट, पेन, रबर, मार्कर, मिल्क, क्रेयॉन, चॉक. मिल्क इज अ फूड, सो यू हैव टू पुट द सर्कल ऑन मिल्क. कम टू द पार्ट सी, राइट वर्ड्स दैट एंड विद द सेम लेटर. ठीक है, अब ये जो वर्ड लिखे हैं डबल ई ओ डब्ल्यू आई एन, आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनके एंड में डबल ई आता हो. ओके, जिस तरह देखें, डबल ई, स्प्री, ग्ली, फ्ली, ट्री, सी. नंबर टू, ओ डबल ओ डब्ल्यू, बो, क्रो, स्लो, ग्रो, ग्रो, ग्लो. ठीक है, आई एन, इन, डस्टबिन, टिन, स्पिन, पम्पकिन, स्किन. ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं ऐसे वर्ड जिनके एंड पे ये वर्ड्स आए. ए सी के, एक, बैक, लैक, स्लैक, स्टैक, ट्रैक, सैक भी हो सकता है. ठीक है, द ओ टी, लोट, बूट, सूट, ब्लोट, क्लोट. यहाँ आप बोट भी लिख सकते हैं, कोट भी लिख सकते हैं. ओके, नीचे आ जाएं, डी पे, स्टोरी लाइन्स. Use these words to complete the story. अब आपने क्या करना है, you have to fill the blankets according to these options. Okay? The fox is a dash animal, clever animal. ठीक है, there are many foxes all over England. They sleep dash the day and come out at dash. They sleep during the day and come out at night. They move around dash looking for food quietly. Foxes have long dash with a dash tip at the end. Low tails, white. Farmers do not like foxes because they try to steal chickens. Young foxes are called cubs. The fox home is called a den. E पे आ जाएं, teaser time words, link, write the missing letter to create three words. ऐसे words आपने लिखने हैं जिससे ये वर्ड लेटर, ये वर्ड भी पूरा हो जाए और ये भी पूरा हो जाए. ठीक है, ए डबल पी ए डी ई आर. तो हम ऐसा कौन सा वर्ड लिखेंगे जो ये भी बन जाए और ये भी बन जाए? एल ई लिखेंगे. तो यहाँ से एप्पल बन गया और यहाँ से लीडर बन गया. ठीक है, इसी तरह बाना और डबल पी वाई. ठीक है, तो यहाँ हम एन ए लिख देंगे तो बनाना बन जाएगा और यहाँ से नेपी बन जाएगा. आगे ना आगे देखें. ठीक है, लंच बन गया, चिमनी बन गया. आगे पिक्चर और रीप्ले. नंबर नाइन, प्ली, प्लीज. और सेवन, आगे री, रेस्ट और यहाँ से स्टोर बन गया. ठीक है, सो आई हैव डन विद द चैप्टर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.